Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 43 for class 10, जिसमें हम लोग chapter number 12 coordination and control के बारे में बात कर रहे हैं. And now we can say कि हम लोग second part of the chapter में हैं, जिसमें हम लोग second type of coordination के बारे में study कर रहे हैं. अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम यानी कि जिसके अंदर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व हैं, किस तरह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कौन से रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं. तो हम लोग काफ़ी डिटेल में उनके बारे में बात कर चुके हैं और अपनी प्रीवियस वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं स्पेशल ऑर्गेन से, जिनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशल केमिकल्स मैसेंजर्स को क्रिएट करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं और उनको फिर आगे रिलीज कर देते हैं इनटू द ब्लड, सिक्रीट कर देते हैं. सो ये जो स्पेशल ऑर्गेन्स हैं जिन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, दे आर डक्टलेस. वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली अपने हॉर्मोन्स को, अपने बनाए हुए केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करते हैं और वो फिर ब्लड के थ्रू ही टारगेट टिश्यू पे या टारगेट ऑर्गेन पे पहुँच कर वहाँ पर अपना मैसेज कन्वे करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वेरियस डिफरेंट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, शुगर को कंट्रोल करना, किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट करना, ये तमाम चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर सकें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द सराउंडिंग्स. तो वेरी फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड दैट इज़ अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. हम लोग जब ब्रेन की बात कर रहे थे तो ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट वॉज हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है एक पी शेप्ड यानी कि मटर के शक्ल के जैसा इम्पॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं. बहुत सारे हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं वो बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर असर करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कह लें कि ये कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करता है. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी ब्रेन जो है, एंडोक्राइन सिस्टम में ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर है. हमने तो बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन वाज द कंट्रोल सेंटर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वर द ब्रेन कंट्रोल सेंटर, जो कि पूरे उस नर्वस कोऑर्डिनेशन को चला रहे थे. जो भी मैसेज आता था वो डायरेक्टली ब्रेन के पास जाता था और ब्रेन फिर आकर से उसको रिस्पॉन्ड करता था. इन द केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हम जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ रहे हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन उसकी कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसका हाइपोथैलेमस, उसके साथ अटैच्ड है और ये पी शेप्ड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज करता है. उन हॉर्मोन्स का नाम है ट्रॉफिक हॉर्मोन्स. सो आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, ये वो हॉर्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और इन हॉर्मोन्स का काम क्या है, दे रेगुलेट द फंक्शन, दे रेगुलेट द रोल ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये बाकी के बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, मैसेजेस केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करते हैं, वो कितनी अमाउंट में सिक्रीशन करेंगे, क्या वो ज़्यादा हॉर्मोन रिलीज़ करेंगे, क्या वो थोड़ा हॉर्मोन रिलीज़ करेंगे, या हॉर्मोन को बिल्कुल इनहिबिट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, कब उस हॉर्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है किसी भी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो ये सब चीज़ें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि वो ट्रॉफिक हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है. ये हॉर्मोन्स बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. ये बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर चेक रखते हैं कि जितनी मिकदार में बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही मिकदार में वो हॉर्मोन्स रिलीज हों, ना उनसे ज़्यादा ना ही उनसे कम. हाउएवर सम हॉर्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड
दे एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी। काफ़ी हार्मोन जो हैं इसके ट्रॉफिक हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या हैं? जो वो हार्मोन जो बाकी के ग्लैंड्स के ऊपर असर करेंगे, और उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो कि ट्रॉफिक नहीं हैं, वो ग्लैंड के ऊपर असर नहीं करते, बल्कि वो टारगेट उनका कौन सा है? मुख्तलिफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी। देर आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस, टू लोब्स, द एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। तो इसका पहला लोब कौन सा है? एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड, एंटीरियर लोब। एंड द सेकेंड पोर्शन इसका कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर ग्लैंड लोब। पोस्टीरियर कौन सा? मतलब कि दैट इज लोकेटेड एट द बैक साइड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक हैं ट्रॉफिक हॉर्मोन्स जो कि बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर चेक रखते हैं, उनकी सिक्रीशंस के ऊपर चेक रखते हैं, और दूसरे नॉर्मल हॉर्मोन्स हैं जो कि जिनका टारगेट क्या है? दूसरे बॉडी के टिश्यूज़। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर शेप को देखते हैं, उसके अगर हम लोग पार्ट्स देखें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड, एंड पोस्टीरियर लोब दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। अब ये दोनों पार्ट्स क्यों ज़रूरी हैं हम, और इनका क्या रोल है, किस तरह से ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं? वी विल स्टडी दैम नाउ इन डिटेल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटीरियर लोब नाउ। जो एंटीरियर लोब है इट प्रोड्यूसेस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। ये बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है, और इसके हॉर्मोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट हॉर्मोन इज़ सोमैटोट्रोफिन। जो पहला हॉर्मोन जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रोफिन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि ये जितनी अमाउंट में बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है सोमैटोट्रोफिन, उसी हिसाब से बॉडी ग्रो करती है, उसी हिसाब से बॉडी की ग्रोथ जो है होती है या रुक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस हार्मोन, जिसको हम लोग सोमैटोट्रोफिन का नाम देते हैं। सोमैटोट्रोफिन is released by the anterior lobe, and somatotrophin का दूसरा नाम क्या है? growth hormone. If the production of this hormone is diminished, अगर इस hormone की production जो है less हो जाए, कम हो जाए, तो during growing age तो जो growth है, rate of growth है, वो decrease हो जाती है। As you can see there are variety number of peoples that are present around us. Some people they have very good height, they have very good growth, but other people they have not much height, not much growth. ऐसा क्यों है? इस हार्मोन के डिफरेंस की वजह से। वो बंदे, वो पर्सन या वो बॉडी जिसके अंदर सोमैटोट्रोफिन इनफ अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, तो उसकी ग्रोथ भी तेज़ हो जाती है, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, बॉडी जल्दी ग्रो करती है और ज़्यादा ग्रो करती है, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिनके अंदर सोमैटोट्रोफिन की अमाउंट डिमिनिश हो गई है, कम हो गई है काफ़ी हद तक, तो उनके अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारी बॉडी किस तरह की होगी, हमारी फिजीक किस तरह की होगी, ये इस हार्मोन जिसे हम लोग सोमैटोट्रोफिन या फिर ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो वो लोग जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाए, बहुत ज़्यादा सोमैटोट्रोफिन की अमाउंट कम हो जाए, तो उनके अंदर जो कंडीशन, जिस कंडीशन से वो सफ़र करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ्स मतलब कि जो बोने होते हैं उनके अंदर क्या है कि उनकी हाइट छोटी होती है। वाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ सोमैटोट्रोफिन इन दैम इज़ डिमिनिश्ड। उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन की जो अमाउंट है बहुत हद तक कम हो चुकी होती है, उसकी प्रोडक्शन इनफ नहीं हो रही होती, तो दैट इज़ वाई उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही, उसकी बॉडी को वो मैसेज नहीं मिल रहा ग्रोथ का, तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी, साइज में इंक्रीज नहीं करेगी, तो दोज पीपल दे बिकम स्मॉलर, दे रिमेन स्मॉलर इन साइज। तो इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को हम लोग ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर तो हॉर्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, तो द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म
इसका मतलब है जाइंट है, वो पर्सन जो बहुत जाइंट होते हैं, जाइंट मतलब के बहुत ज़्यादा हाइट में लंबे चौड़े होते हैं, दोज आर जाइंट्स। और ये उनमें क्यों ऐसा होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन सोमैटोट्रोपिन। ऑब्वियसली किसी भी पर्सन की बॉडी वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से उसको मैसेज मिल रहा है। अगर तो ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ही नहीं मिल रहा उसको या बहुत डिमिनिश्ड अमाउंट में है, तो पर्सन की बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी, वो स्टॉप हो जाएगी, उसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा। तो पर्सन दे विल सफ़र फ्रॉम ड्वार्फिज्म। ऑन द अदर हैंड, अगर तो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में सोमैटोट्रोपिन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ़ ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस साइड पे जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म, यानी कि जिसके अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है बॉडी को ग्रोथ का। तो बॉडी उतना ही, जितना मैसेज ज़्यादा मिल रहा है उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा बंदा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। सो अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल हाइटेड पर्सन होगा, जितना मैसेज मिलेगा बॉडी उतना ही ग्रो करेगी। सो इफ़ सोमैटोट्रोपिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, अगर ग्रोइंग एज जैसे कि 18 साल 20 साल की उम्र होती है, कि ये 18 साल तक ग्रोइंग एज होती है, अगर सोमैटोट्रोपिन ग्रोइंग एज के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं और बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, दे अलोन ग्रो लार्ज। तो उनके जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं और बॉडी की जो हैंड एंड फीट हैं, वही लार्ज अमाउंट में ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्रोमैग्ली। एक्रोमैग्ली क्या है कि यहाँ पे ग्रोइंग एज के बाद जब ज़्यादा डिफॉल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग एज के बाद एक्सेसिव अमाउंट में ये हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त क्योंकि ग्रोथ तो पूरी हो चुकी हुई है, तो पर्सन के कुछ ही पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे कि लार्ज हैंड, लार्ज फीट, जॉ बोन का बड़ा हो जाना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ द सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है। ये कब बॉडी में रिलीज़ होता है? जब ग्रोइंग एज होती है, एक पर्सन की ग्रोइंग एज होती है, जो एक न्यू बॉर्न से स्टार्ट होकर 18 to 19 ईयर्स तक वो ग्रो करता रहता है। आफ्टर दैट जो ग्रोइंग एज है वो पास हो जाती है, ग्रोथ जितनी थी वो स्टॉप हो जाती है नॉर्मल पर्सन में आफ्टर द ईयर्स ऑफ 18 to 20। लेकिन इन द केस कि जब सोमैटोट्रोफिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ हो, तो बॉडी को ग्रोइंग एज में भी वो हार्मोन नहीं मिल रहा जो उसको मैसेज दे के प्रॉपरली ग्रो करे, तो बॉडी प्रॉपरली ग्रो ही नहीं करेगी और पर्सन सफ़र करेगा ड्वार्फिज्म से। दूसरी तरफ अगर ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मैसेज मिला जाए, दिया जाए कि वो बहुत कि ग्रो करे, तो बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करेगी, पर्सन जाइंट बन जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हाइट में होगा, उसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म, जब ग्रोइंग एज में उसको ज़्यादा उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन रिलीज़ हो रहा है। अब कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि ग्रोइंग एज उनकी बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है, उस वक्त उनका सोमैटोट्रोफिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन आफ्टर द ग्रोइंग एज सोमैटोट्रोफिन स्टिल रिलीज होता रहता है और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता रहता है, तो उस वक्त जो पर्सन जिस सिचुएशन से सफ़र करता है, दैट इज़ एक्रोमैग्ली। एक्रोमैग्ली में क्या है कि उसकी हैंड, उसके फीट, उसकी जॉ बोन, ये चीज़ें ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज पर्सन इटसेल्फ, पर्सन के अंदर वो ग्रोइंग एज गुजर चुकी है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ और इंटरनल ऑर्गेन्स को लार्ज कर देगा साइज में। अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब, एक तो हार्मोन ये हो गया हमारे पास सोमैटोट्रोफिन, जिसको हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन का नाम दे दिया है, और हमने देखा है कि अगर ये ज़रूरत है ज़्यादा या ज़रूरत से कम, यानी कि एबनॉर्मली ज़्यादा या एबनॉर्मली कम प्रोड्यूस हो, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब, क्योंकि हम लोग एंटीरियर लोब को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी के हार्मोन को स्टडी कर रहे हैं, तो अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज़ थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसे हम लोग TSH का नाम भी देते हैं। इस हार्मोन को कहा जाता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये स्टिम्युलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रीशन रिलीज़ कर सके। थायराइड इज़ प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन, तो ये क्या है, इसे हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन इसीलिए क्योंकि ये बाकी के जो ग्लैंड्स हैं
उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, उन ग्लैंड्स की को कंट्रोल करता है कि वो कितनी अमाउंट में सिक्रीट करें। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक ट्रॉफिक हार्मोन है, क्योंकि ये थायराइड, उसके नाम से ये कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जब ये रिलीज होगा तो थायराइड के ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट होगा कि वो स्टिमुलेट करेगा कि वो अपना सिक्रीशन आगे से रिलीज करे। जो रिमेनिंग हॉर्मोन्स हैं एंटीरियर लोब के, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को कंट्रोल करते हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, जिनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस लेक्चर में दो डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में बात की है। फर्स्ट वन इज़ द सोमेटोट्रॉफिक हॉर्मोन्स, सोमेटोट्रॉफिन जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और उसके अलावा दूसरा हमने देखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो दोनों हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। बट आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि यही सिर्फ दोनों हार्मोन नहीं हैं जो कि एंटीरियर लोब से रिलीज हो रहे हैं, मैनी अदर हार्मोन्स आर ऑल्सो रिलीज, और वो हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पे असर करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको इसकी समझ आई हो। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।